दिस इज अलीदाब का मार्शन बाप की फेवरेट सीरियल। ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर आरोही करेगी बनमंजरी का एक बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल यहाँ पर एक ऐसी भी रस्में होगी जहाँ पर कुछ सामान लेकर जाना होगा लड़की वालों को लड़के वालों के घर, जहाँ पर आरोही के हाथ लगेगा वो सर्टिफिकेट जो कि मंजरी के कमरे में होता है, और वो कोई और नहीं अभिमन्यु से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा राज है, और इसी का आरोही फायदा उठाती नजर आएगी। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए, जिसके चलते यहाँ देखने को मिलेगा आरोही एक ऐसा खुलासा करेगी और वो भी सारे घर वालों के सामने, वो भी रश्मों में, जहाँ पर आरोही कहेगी कि बिरला परिवार, यहाँ पर बिरला परिवार कितना बड़ा धोखेबाज है और ये अक्षरा के साथ ही बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। ये तो अभिमन्यु बिरला है ही नहीं। इसके बाद अभिमन्यु भी शॉक्ड हो जाता है, मंजरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती, और देखने को मिलेगा कि आरोही सबके सामने कह देगी कि अभिमन्यु बिरला नहीं, ये अनाथ आश्रम से लाया हुआ है, जिसके बाद सब घर वालों के दोनों परिवारों के ही होश उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि मंजरी गिड़गिड़ाते नजर आएगी आरोही के सामने, और अभिमन्यु उसका इस साफ सवाल का जवाब पूछेगा कि क्या माँ ये सच है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और यहाँ पर काफी बवाल आरोही खड़ा कर देगी एक झूठ के बेसिस पर, जहाँ पर अभिमन्यु का तो अस्तित्व ही हिल जाता है, और देखने को मिलेगा आरोही ने सिर्फ और सिर्फ ये रिश्ता तुड़वाने के लिए किया है। लेकिन यहाँ पर अक्षरा इस बात को किस तरह से संभालती है, मंजरी और अभिमन्यु के रिश्ते को किस तरह से संभालती है, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर्षवर्धन के साथ पहले से ही अभिमन्यु की नहीं बनती है, और लेकिन अब इस खुलासे के बाद कहानी पलट जाएगी और हर्षवर्धन अपने पापा को वो भी उतनी ही इज्जत देने वाला है। अब देखते हैं कि कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है इस खुलासे के बाद।